पे वार्तालाप करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा बना देखिएगा। लगभग 9 महीने साल भर बैक से हम लोग उठाते हैं और चलते हैं इस अप्रैल तक की घटनाक्रम को देखते हैं। दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। आप जानते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में आया, और कुछ और विशेष अधिकार दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, नौकरी में भी 4% का कोटा, 3 से 4% का कोटा रिजर्व्ड। और आप जानते हैं आरटीई 2009 में, यदि हम बात करें आरटीई 2009 में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कितना? 6 से 14 वर्ष, और दिव्यांग के लिए 6 से 18 वर्ष। चलिए ठीक है, तो महाराष्ट्र है दोस्त दिव्यांग का एक अलग ही विभाग बनाने वाला, घोषणा करने वाला राज्य। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म, राज्य के एक बीज फॉर्म को घोषित किया गया केरल, कार्बन न्यूट्रल फॉर्म। देखिए अपने लायक क्या बुझाया, ये अपने लायक। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड किस राज्य? तो सर आप क्यों दे दिए, पूछ लिया था वैसे नहीं आएगा, शिक्षा जगत से जुड़ करके बातें होनी चाहिए। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स, ऑनलाइन जुआ ऑनलाइन सट्टा वगैरह जो लगाया जाता था, टास्क फोर्स का गठन किया कौन? एमपी ऑनलाइन जुआ। वाह, किस राज्य, पढ़िएगा रीना प्रसाद मैडम। किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश लाया गया था? एक कानून ला दिया गया था, अध्यादेश ला दिया गया था, तमिलनाडु। और यहाँ देख रहे हैं रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन बना? कल्याणी फेरेस्टा। भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? महू, जो कि एमपी में है। महू कहाँ है? एमपी मध्य प्रदेश में है। आगे बात करें, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना? अरमदम केरल में है। भारत का पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र। लोकायुक्त विधेयक 2009 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य? 2022, यानी लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पहला राज्य महाराष्ट्र। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा पहला मल्टी मॉडल, सर कहां हम लोग सीडीपी में थे, कहां ला दिए? अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी फिर देखना है। प्रत्येक दिन कम से कम 50 आपको करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, घर पर याद करें। हाँ जी डेली, फिर मैंने क्या कहा, चीजें बड़ी पानी है तो कमर भी बड़े बेल्ट से कसना पड़ेगा। हाँ, नहीं तब तो फिर 3 बार नियम दिया हुआ है बेल्ट का रस्सी काटने के लिए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? चेन्नई तमिलनाडु में। भारत का पहला स्टीकर बेस्ड डेबिट कार्ड, स्टीकर यानी स्टीकर लगा रहेगा, स्टीकर बेस्ड डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? IDFC फर्स्ट बैंक, पहला। क्षेत्रीय भाषा में यानी मातृभाषा में, रीजनल लैंग्वेज में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय, क्षेत्रीय भाषा में आप कर सकते। नहीं तो क्या होता था, अंग्रेजी में वकील, मुद्दई और मुद्दालय,
दिए जा रहा है, उसका पेशकार दिए जा रहा है कि रूपा लेके गप कर रहा है कि सर एकरा जो है ना एकदम टिंग दीजिए, 2 लाख टका मांगे तो नहीं दिया, क्या बात कर रहे पते नहीं, लेकिन मातृभाषा में निर्णय प्रकाशित करने का ला दिया केरल उच्च न्यायालय ने। भारत की पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर लांस नायक मंजू मैंने कुछ ऊपरे ऊपर कुछ लगेले होगा छलांग स्काई डाइवर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की तो बड़ी एकदम फेमस में है, वंदे भारत। अच्छा वंदे मातरम किसने लिखा है? किमचंद चटर्जी। इनकी पुस्तक का नाम आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रगीत की राष्ट्रगान गीत है, गान तो चलिए बंगलुरु। शुरुआत कहां से? बंगलुरु से। बहुत बढ़िया, दक्षिण भारत में बंगलुरु। आप जानते हैं जैसे ये दक्षिणी पार्ट है, ये आपका केरल का भाग है, ये आपका टीएम तमिलनाडु का भाग है, इधर बात करें तो बंगलुरु, इधर गोवा। हेलो बोलिएगा केरल, कर्नाटक, गोवा, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, एमपी, इधर राजस्थान, इधर बात करें ये आपका तमिलनाडु हो गया, इधर बात करें तो हिंद महासागर, अरब सागर पश्चिमी साइड में, अरब सागर दक्षिणी साइड में, हिंद महासागर जिसके नाम पे हिंदुस्तान पड़ा, और इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इधर श्रीलंका और पाक जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी और इसे अलग करती है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या? पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत। हमरा बुझिए भारत, मेल आदमी हो ना, भारत माता है ना, तुरा कैसे पता चला? चलिए ठीक, भारत माता मतलब हमने वाक्यों से सीखा हुआ है, ऐसे बोलिए ना। हाँ तो भारत माता सत नमन। तो भारत इधर वाला, इधर वाला भाग पूर्वी, जिधर पश्चिम बंगाल है, जिधर ना पश्चिम बंगाल है पूरब यानी ईस्ट, और जिधर गुजरात है उधर पश्चिम, और नीचे दक्षिण। तो कह रहा है ना दक्षिण में तो तमिलनाडु, दक्षिण में जो वंदे भातरम ये बंगलुरु किधर? दक्षिणी पार्ट में वंदे भारत एक्सप्रेस किधर? बंगलुरु दक्षिण वाला भाग, वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी, अब कह रहा है पूर्वी भाग कौन सा? पूर्वी भाग में किधर? हावड़ा पश्चिम बंगाल, पूरब में इधर आपका पश्चिम बंगाल, पूरब में कहां से शुरुआत हुई थी वंदे भारत? आप देख रहे हैं मोदी जी छोड़ ले जा रहा है जानवर, हाँ क्या पकड़ वो वही करते हैं, खुल के बोलिए ना। उसकी मां ने थी सर उसी दिन देती है, उद्घाटन था पश्चिम बंगाल में। जानवरों के लिए भारत की पहली IVF मोबाइल यूनिट किस राज्य में शुरुआत की गई? गुजरात में। जानवरों के लिए क्या लाया गया? IVF क्या ना मोबाइल यूनिट किस राज्य में शुरुआत की गई? फर्टिलिटी निषेचन वगैरह से संबंधित है IVF, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट किस राज्य में लाया गया? गुजरात में। 50 वर्ष से अधिक पुराने क्लासिक वाहनों के लिए एक अलग से पंजीकरण प्रक्रिया, 50 वर्ष से पुराना गाड़ी है
रजिस्ट्रेशन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अलग से। तो शुरू करने वाला पहला राज्य ओडिशा। किस राज्य में विश्व के पहले ताड़ के पत्ते, तो देखे हुए हैं फिल्म वगैरह, तार ताम्र पत्र पर तार के पत्र पर लिखा रहता था रहस्य जादू टोना, सोना किधर है, तार के पत्तों का पांडुलिपि लिपि म्यूजियम केरल में। कहा? केरल में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय जी गुजरात में। बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य केरल। करेला केरल मसालों का बगीचा केरल। सीटेट में देखते थे टेपियो का कसावा साबुदाना केरल। और क्या देखते थे केरल में? नारियल के पेड़। केरल केरले में वल्लम चलता था छोटी ना। कहाँ गए जाने कहाँ गए वो दिन, सीटेट पास करके नौकरी लग जाता। आइए दूल्हा दुल्हन जो है डेढ़ लाख 10 लाख 15 लाख 15 लाख में भी बुझावे लगता था हाँ तारा चमार के। खैर कोई बात नहीं है अब रूपो बढ़ी हो ना रूपो मैंने अब रूपा कोट करने देने पड़ेगा सीधे खरीद ले जाएगा। भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु क्या नाम है किस शहर में बनाया जा रहा है? ऋषिकेश। ऋषिकेश भारत का पहला केबल 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 तार तार केबल केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु। एनसीईआरटी पटाख से बताइए फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल करिकुलम नेशनल काउंसिल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग बोलिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग बोलिए SCERT स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा अभी सोचे। पढ़िए मैडम माला मैडम पढ़िए तो अच्छा परख क्या मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है ना NEP 2020 जो कि 29 जुलाई 2020 को लागू 29 जुलाई 2020 को ठीक। इसके तहत 360 डिग्री केंद्राकार जो है बच्चों का किया जाएगा मूल्यांकन। बच्चे खुद को भी नंबर देंगे बच्चे के सहपाठी मार्क्स देंगे शिक्षक भी मार्क्स देंगे 360 डिग्री केंद्राकार चक्राकार बोले तो चहुमुखी विकास चहुमुखी ज्ञान का डेवलपमेंट। तो देखिए परख कहता है एनसीईआरटी द्वारा अधिसूचित भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर एक नियामक जो है उसका गठन किया गया है उसका नाम क्या है? ये मेला है मुझे दे दीजिए आप ए थोत का मेला था भगवान परख। अच्छा परख का फुल फॉर्म लगे हाथ बताइए तो पी का फुल फॉर्म बताइए तो जी भूल गए सब खत्म हो गया। प्रोफिशिएंसी दक्षता पी का मतलब अब ए का मतलब एबिलिटी। परख का फुल फॉर्म प्रोफिशिएंसी असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। फिर से सुने प्रोफिशिएंसी मतलब दक्षता प्रोफिशिएंसी 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 परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस सॉरी परफॉर्मेंस होगा ना परफॉर्मेंस असेसमेंट
असेसमेंट रिव्यू, यानी बच्चे ने क्या सीखा नहीं सीखा फिर से उसका पुनर, तो रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बोलिए परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू ऑफ नॉलेज, ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज, एंड नॉलेज फॉर किसके लिए, सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, वर्सेटाइल, ऑल ओवर डेवलपमेंट, तो होलिस्टिक, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परख, परख का गठन, ठीक, एनसीईआरटी। अंधापन को नियंत्रित करने के लिए नई नीति लाने वाला भारत का, बताइए, राजस्थान। इस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया, कोल्लम केरल में है, कोल्लम कहाँ है, केरल में। बोलिए प्रोजेक्ट दंतक, प्रोजेक्ट दंतक के तहत सीमा सड़क संगठन के विदेशी आई असाइनमेंट जो है उस पर तैनात होने वाली पहली महिला भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी, कैप्टन सुरभि चकमोला, कैप्टन सुरभि चकमोला, लगता है खूबे खाएगा हकमोला। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली, हाँ, पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन है, शिवा चौहान। बड़ी ठंडा पड़ता है ना हो सियाचिन ग्लेशियर। संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय शांति सैनिकों की परेड का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी जैस्मीन चट्टा, जैस्मीन चट्टा। संयुक्त राष्ट्र मिशन, संयुक्त राष्ट्र 1945 में बना था, राष्ट्र संघ 1920 ईस्वी, 10 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर से 10 जनवरी, हमरो ध्यान नहीं आ रहा है, ये तो 1945 से चली, ये ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मिशन, चलिए मेसर जैस्मीन चट्टा। ऑनलाइन गेमिंग, अभी आपने पबजी वगैरह तरह तरह के गेम वगैरह पे बैन होते देखा होगा। भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, किसके लिए, ऑनलाइन गेमिंग में, शिलोंग, शिलोंग कहाँ है, मेघालय में। कौन सा जिला न्यायालय अपने काम काज की ई प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, बैठले बैठल, बैठले डेस्क खगड़िया, शुरू करने वाला पहला जिला अदालत बन गया, उस्मानाबाद जिला न्यायालय महाराष्ट्र, उस्मानाबाद जिला न्यायालय महाराष्ट्र। अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश सेवन सिस्टर्स राज्य में है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, उधर है ना कथिया पसरले है ना, हो सात बहन जी राज्य पे एगो छोटा भाई सिक्किम, और सात बहन जी राज्य आप क्या याद करते हैं, एटीएम आना गेमा, एटीएम यहाँ गए तो पुतहु नाना भाई, एटीएम अरुणाचल प्रदेश, बताइए टी, त्रिपुरा, मिजोरम, आना, फिर से असम, असम, नो नागालैंड, आना, यह मो के मतलब चार मो मिलेगा, एक दो तीन चार, आना मम्मी, ये सेवन सिस्टर्स राज्य है ना, उत्तर राज्य, इन पे याद रख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने वाले राज्य के पहले केंद्रीय जेल सुधारक, सुधारक केंद्र का नाम क्या रखा गया, सुधारक केंद्र रखा गया है, सुधारक केंद्र। ज्यादा हो गया क्या, 50 तक जाने देना, हाँ बिल्कुल। चलिए राज्यसभा में उपाध्यक्षों, राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में नामित की जाने वाली पहली महिला खिलाड़ी पीटी उषा, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली, लोगों के मेहरारू के नाम बताइए, अरे तुरी सुरेखा यादव बहन जी हैं, हाँ बुझाया, याद रहेगा जी,
भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का नाम, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, सी माने समुद्र, समुद्र पर जो ब्रिज बना बताइए, न्यू पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज कुल लंबाई, पहले पंबन ब्रिज है, न्यू बना, न्यू पंबन ब्रिज लगभग 2.5 किलोमीटर कुल लंबाई, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को लागू करने वाला पहला पूर्वोत्तर, पूरब उत्तर, पूर्वोत्तर राज्य वही सेवन सिस्टर्स राज्य मेघालय है ना, एटीएम आना मम्मी, मेघालय पहला राज्य कौन है, किस चीज के लिए, मेंटल हेल्थ और सोशियल केयरिंग देखभाल नीति को लागू करने वाला, रिलायंस जियो ट्रू 5G कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, गुजरात, रिलायंस जियो ट्रू 5G कनेक्शन, क्या 5G, पहले 4G चलता था ना जी, 5G तो सबसे पहले गुजरात, किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदद मिल्क बैंक, मिल्क बैंक दुग्ध बैंक स्थापित करने की घोषणा की, उत्तराखंड, वही फूलों की घाटी चमोली, उत्तराखंड गंगा निकलती है गंगोत्री से, उत्तराखंड उबर खाबर पथरीले रास्ते, उत्तराखंड सीटेट में पड़ा हुआ, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी करने की घोषणा की, इंदौर, ठीक, अब चलिए सभी लोग सुस्त होते जाएंगे, इधर से पढ़ना शुरू करेंगे, बताइएगा, पढ़िएगा, पहली इंडियन कोस्ट गार्ड की जाएगी, मंगलुरु, आप इन्हीं को जोर से, मैं बोलूंगा उत्तर को, मैं बोलूंगा, ठीक है, आपको केवल इसको पढ़ना है, पहली इंडियन कोस्ट गार्ड अकेडमी, अकेडमी किस शहर में, तो मंगलुरु में, मंगलुरु, भारत की पहली निजी कृषि मंडी स्थापित करने का लाइसेंस किस कंपनी को मिला, सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो कि महाराष्ट्र में है, भारत की पहली निजी कृषि मंडी स्थापित करने का लाइसेंस जी, आखिर ड्रोन के सहारे पशुपालन के लिए विश्व में पहली बार वैक्सीन केकरा ले ली, डिलीवरी किस राज्य में की गई, अरुणाचल प्रदेश, वह ईटानगर अरुणाचल प्रदेश जी, भारत में पहली मेट्रो से चलने वाली बसों का अनावरण कहां, उद्घाटन कहाँ किया गया, अनावरण कहाँ किया गया, बेंगलुरु, वही इलेक्ट्रॉनिक नगरी केरल के जस्ट ऊपर है ना, अरुणाचल, ये बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलोर, कर्नाटक, कहाँ, कर्नाटक, चलिए आगे पुनः बढ़ते हैं जी, मैडम अर्चना नहीं लक्ष्मी, अर्चना मैडम जी बताइए, भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र, ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र, संयंत्र जैसे परमाणु संयंत्र वगैरह, हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर, पुणे में स्थापित किया गया है, किससे, ठोस अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट जैसे मनुष्य का अपशिष्ट बात करें तो मल मूत्र पसीना स्वेट, ये सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कूड़े कचड़े बाहर बात करें पॉलीथीन वगैरह।